इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता फॉर टीनेजर्स। भगवत गीता है क्या, भगवत गीता क्या रिलीजन रिप्रेजेंट करती है, ये जो हिंदू रिलीजन है ये कहाँ से आता है, इसका मतलब क्या है, ये भगवत गीता में क्या लिखा गया है, क्या हम में से किसी को इस बारे में पता है, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ डजंट नो व्हाट इट रियली मींस। और हम में से आई कैन गारंटी यू, हम में से कोई भी इस सवालों का कोई भी एक आंसर नहीं कर पाएगा। भगवत गीता जो है वो बेसिकली हिंदू रिलीजन को इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदू रिलीजन एंड इट वॉज अ कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना विच वॉज रिटन 5000 ईयर्स बिफोर। भगवत गीता पढ़ने से ना ही सिर्फ आपको शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है, इट ऑल्सो यू नो, आप अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो बिलीव मी, यकीनन मेरी बात का यकीन करें, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो या किसी ने भी आप में से अगर भगवत गीता कभी पढ़ी हो तो यकीन करें आपको उस परेशानी का हल उस वक्त सामने मिल जाएगा। भगवत गीता पढ़ने से आपके मन, सोल एंड योर हार्ट गेट्स रिलैक्स एंड बिलीव मी इट्स सच एन वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने आई नो आई हैवन रेड भगवत गीता पर मैंने जो है वो भगवत गीता के जो होते हैं, भगवत गीता के जो लेक्चर्स होते हैं, चैप्टर्स में बेसिकली लिखा क्या गया है, जो एक्सप्लेनेशन होती है राम, माय इंस्पायरेशन राम सखा प्रभु जो वो करते थे, अलग है मैं हर संडे को वगैरह फ्राइडे को नहीं आती, अटेंड नहीं करती, पर स्टिल इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई हैव एक्सपीरियंस कि मैंने एक दो बार सुना है एंड बिलीव मी इट्स सो रिलैक्सेस मी, इट्स सो काम, मेरा माइंड जो है वो इतना यू नो इट गेट्स सो पीसफुल एंड सच अ पीसफुल एक्सपीरियंस। मेरे भाई बहनों, मुसलमान जो है वो अपने बच्चों को फ्रॉम देयर बर्थ टू देयर डेथ वो उनको कल में वो उनको मदरसा भेजते हैं, अपने वो मटीरियलिस्टिक एजुकेशन के साथ साथ वो जो है रिलीजियस एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो क्या हमारा हक नहीं बनता हम भी अपने बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन दें हमारे हिंदू रिलीजन के बारे में, क्या नहीं बनता हमारा हक, आप बताएं, हमारा हक बनता है ना कि अगर हमसे कोई पूछ रहा है कोई दूसरे रिलीजन का कि आपका हिंदू रिलीजन क्या बताता है तो वी आर स्पीचलेस, वी हैव नथिंग टू टेल, इट्स बिकॉज कि हमें पता नहीं कि हमारा हिंदू रिलीजन है क्या, हमें यही नहीं पता, हमें पता नहीं कि हम ये क्या बोलना चाहिए कि हमारा हिंदू रिलीजन क्या है, वो क्या बताता है, हमारी होली बुक हमारी क्या बताती है, उसमें क्या लिखा गया है, व्हाट डज द ईच एंड एवरी श्लोक टेल्स अस, हमें कुछ नहीं पता, वी आर स्पीचलेस। और ये बात नहीं है कि हमें मतलब पढ़ते ही नहीं है एंड वी आर अशेम टू अनाउंस इट पब्लिकली, वी शुडन बी अशेम, हमें फख्र से बोलना चाहिए हमारी भगवत गीता है, हमें हमें ये लिखा गया है। और ये तभी हो सकता है जब आप मेरे दोस्तों आप जब पढ़ेंगे उसको उसमें कुछ दिलचस्पी दिखाएंगे और ये जो मैसेज है इसको आगे अपने छोटे या बड़ों को फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस कंट्री में रहते हैं, वी लिव इन अ नेशन वेयर द मुस्लिम्स आर इन अ मेजॉरिटी एंड वी हिंदूस आर इन अ माइनॉरिटी, सो इन ऑर्डर टू हैव अ प्लेजेंट लाइफ वन मस्ट रीड भगवद गीता एंड बिलीव मी इट्स सच अ प्लेजेंट यू नो एक्सपीरियंस। I would like to thank the ISKCON team which encourage the teenagers, मेरी एज के बच्चों को वो इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो आए और इस ऐसे टॉपिक्स पे बात करें, क्योंकि मेरे जैसे बच्चों, मेरे जो टीनेजर्स, मेरे जो हम उम्र नौजवान हैं उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं, अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दे हैव नथिंग टू टेल। और अगर आप उनसे कोई ये कोई रिलीजन का हिंदू मजहब का कोई आप सवाल भी करें तो दे आर स्पीचलेस, वो कह देंगे भाई हमें नहीं पता। इवन माय हिंदू फ्रेंड, मेरे जो क्रिश्चियन और मुस्लिम फ्रेंड्स स्कूल के अंदर, इवन आई फेस दिस प्रॉब्लम कि मुस्लिम फ्रेंड्स के मेरे जो मुस्लिम कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको जो है इस्लामियत पढ़ाया जाता है, नाजरा वगैरह उनको दिया जाता है, पर वी एज एन हिंदू हमें क्या दिया जाता है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन हमें पढ़ाया जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा इतना रिलीजन स्ट्रांग ही नहीं है, हम उसको सपोर्ट ही नहीं करते कि उसको एक ऊंचा दर्जा दिया जाए। माना कि हमारी जो बुक है भगवत गीता हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, एवरीथिंग हम उसको देते हैं, बट दैट्स नॉट इट, हमें भगवत गीता को आगे करना होगा, हमें उसको टटोलना होगा, परखना होगा, तब जाके हमें कुछ पता चलेगा, एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर गोना वर्क। आई वुड लाइक टू थैंक द ISKCON
team which has motivated me, encouraged me to talk about this and to share this social and to share this religious message amongst teenagers. बिकॉज यही हमारी बेस है जहाँ पे हमें हमारे रिलीजन के बारे में बताना चाहिए, और यहीं से हमें पता ही नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है. अगर हम बुढ़ापे में जाके भी ये भक्ति कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? असल तो यहाँ से होता है. अगर हमने पूरी जिंदगी निकाली, पूरी जिंदगी निकाल दी लाइफ की लग्जरीज में, तो क्या किया हमने? कौन सा बड़ा काम किया? कुछ भी नहीं किया. असल काम तो ये है भक्ति करना भगवान की. और अगर यहीं से हमने इसी बेसिक लेवल से हमने नहीं किया स्टार्ट, तो समझे हमने कुछ भी नहीं किया है. चाहे आपने कोई ग्रेजुएशन कर लिया हो, कोई डिग्री हासिल कर लिया, कोई हायर पोस्ट पे चले जाओ, मेरी माने तो यू हैवंट डन एनीथिंग इफ यू हैवंट रेड भगवद गीता. थैंक यू.